बीते 4 से 5 साल में चाइना के तरफ से बहुत सारे खतरनाक हथियारों को दुनिया के सामने लाया गया है, जो हथियार दुनिया के साथ साथ भारत को भी बहुत ज्यादा थ्रेट कर सकता है। पर हाल ही में चाइनीज मैगजीन के एक फ्रंट पेज में एक ऐसा फोटो छपा जो भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। इस फोटो में चाइना द्वारा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का दावा किया गया है। तो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि चाइना कौन सा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है। दोस्तों, हाल ही में चाइनीज मैगजीन के फ्रंट पेज में एक चाइना का बनाया हुआ S6N बॉम्बर का फोटो लगाया गया है। पर चाइना का ये बॉम्बर से भी ज्यादा खतरनाक बात इसमें ये है कि बॉम्बर में दिखाया गया है कि उसमें एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लगाया हुआ है। असल में ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है कि नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पर एक्सपर्टों का मानना ये है कि ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और ये रशिया का बनाया हुआ किंजल मिसाइल के जैसा ही है। पर बहुत सारे दूसरे एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि चाइना खुद का ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और ये मिसाइल लगभग देखने में डोंग फिंग 15 मिसाइल जैसा है। रशिया द्वारा 2017 में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किंजल को दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि चाइना का ये डोंग फिंग 15 मिसाइल असल में एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर के आसपास है, जबकि रशिया का बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में है बोल के एक्सपर्टों का मानना है। द्वारा 2017 में इन मिसाइलों का परीक्षण MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट द्वारा किया गया था, जबकि चाइना इन मिसाइलों को H6N बॉम्बरों में इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह मिसाइल हवा से परमाणु हथियारों को दाग सकता है। दुनिया में कुछ देश ही है जो जमीन से, हवा से और समुद्र के नीचे से परमाणु हथियारों को दाग सकता है, जिनमें भारत, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और यूनाइटेड स्टेट शामिल है। पर भारत के पास अब तक हवा से दागने वाला कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जबकि यूनाइटेड स्टेट 1950 और 60 के दशक में ही हवा से मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप कर चुका था, लेकिन साथ ही साथ इन मिसाइलों को पीछे छोड़ने के लिए सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे B-58 को भी डेवलप कर चुका था। वही वे रशिया द्वारा भी पहले ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाए जाने का दावा किया गया है, लेकिन 2017 में रशिया द्वारा एडवांस तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। रशिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी इस तरीके का मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे यूनाइटेड किंगडम ने प्रोजेक्ट ब्लड ओरियन का नाम रखा है। पर फिलहाल फ्यूचर के जमाने में अमेरिका एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से अपना फोकस दूर कर चुका है और अमेरिका का मानना है कि परमाणु हथियारों के जमाने में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के जगह लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ले चुका है। इसीलिए अमेरिका अपना फोकस लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर ही रखा है, जबकि चाइना द्वारा डेवलप किया गया ये नया बैलिस्टिक मिसाइलों का रेंज तो बहुत ही कम है, साथ ही साथ दूर तक दागे जाने के लिए बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, जबकि उसी समय इन एयरक्राफ्टों को हवा में ही मार गिराने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, जिस वजह से इस तरीके का एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का क्षमता काफी गुना कम हो जाता है। पर चाइना अगर छोटे आकार का एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप करने में सक्षम हो जाए तो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा दूर तक इसे मार किया जा सकेगा। दोस्तों, इस तरीके का हथियारों का डेवलपमेंट अमेरिका के लिए उतना खतरनाक नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में दूरी काफी ज्यादा है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में दूरी इतना नहीं है और दोनों पड़ोसी देश है बोल के इसका खतरा सबसे ज्यादा इंडिया को है। और साथ ही साथ ये भी खतरा है कि इंडिया कहीं इस तरीके का टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे ना बिछड़ जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को क्या खुद के लिए ऐसा ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर अमेरिका के तरह लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर अपना फोकस बरकरार रखना चाहिए, या फिर इंडिया अपना ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों द्वारा ही चाइना का इस तरीके का मंसूबे को नाकामयाब कर सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों का सोच क्या कहता है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर इसे अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।